सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। यू वेलकम टू द सेशन एंड सेल बायोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। सेल बायोलॉजी जो कि सेक्शन नंबर आपका फोर्थ पार्ट है लाइफ साइंस के कैटेगरी में और बायोटेक्नोलॉजी में, ये जनरल बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड होता है। Hey guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh और आप जुड़े हुए हैं Smart Learning Academy चैनल के साथ। तो मैं आपको बता दूं, Smart Learning Academy आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स आपके बेटरमेंट प्रिपरेशन के लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, Smart Learning Academy लेके आया है कई सारे क्रैश कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टिप सीरीज। सो लॉट्स ऑफ सीरीज आर देयर, सो वी आर गोइंग टू ऐड वन बाई वन वीडियोज और वी आर गोइंग टू टेक लाइव सेशंस in those series further in next some weeks or some months. So यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं कि आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के साथ, तो ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। क्रैश कोर्स में ध्यान रखे रहिएगा कि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलता है, 10 बजे जनरली लाइव किया जाता है वो एक वीडियो। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको, और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि 10 बजे जब भी वो वीडियो अपलोड होता है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकें। ये क्रैश कोर्स आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता है सेल बायोलॉजी अपने आप में एक अच्छा यूनिट है, लेकिन सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट पूछा तो जाता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो फोकस किए जाते हैं। मैं उन टॉपिक्स पे पढ़ने की कोशिश करूंगा, उन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा और फोकस करते हुए जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं पे फोकस करूंगा और आगे मूव करता चलूंगा। सो नाउ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं सेल बायोलॉजी, स्टार्ट किया जाए फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेल बायोलॉजी के लिए। होप कि आप सब लोग को मैं विजिबल और ऑडिबल होऊंगा। सेल बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी के बारे में जब बात करते हैं, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेल बायोलॉजी, अगर सेल बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सेल की बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी होती है। एक सेल होता है, जब सेल होता है तो सेल के पास एक मेम्ब्रेन होता है। सेल के पास क्या होता है? सेल के पास एक मेम्ब्रेन होता है। अब इसमें सेल के बारे में पढ़ना होता है कि सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ चीजें जो हैं, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं एंड उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है ना। उसके अलावा इनमें कौन से ऑर्गेनल्स, कहाँ पे न्यूक्लियस है, कहाँ पे ईआर है, कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ इस तरीके से सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स, उसके बाद सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कैसे करता है, फिर उसके बाद आता है सिग्नलिंग क्या होता है, सेल सिग्नलिंग, ये पार्ट इंपॉर्टेंट आता है, सेल सिग्नलिंग, सेल डिवीजन, और ये चार सेक्शन है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हो और इन्हीं चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। सो इन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे हम, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। जनरल सेल के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज सेल बायोलॉजी। सो एक्वस सिस्टम जो होता है सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्वस सिस्टम सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है एक्वस सिस्टम, उसी को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। अब सेल जो होता है, सेल थ्योरी दी गई थी, सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्को ने ये थ्योरी दी थी। किसने ये थ्योरी दी थी? इस थ्योरी ने दिया था रुडोल्फ वर्को ने, ठीक है, रुडोल्फ वर्को ने ये थ्योरी दी थी। सो ये जो थ्योरी है इसमें ये होता है ओमनिस सेलुला ए सेलुला, मतलब हर एक जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि हर एक सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है। इसके अलावा एक पॉइंट है, दैट इज सेल रिक्वायर्स द एनर्जी टू मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस ऑफ द, ठीक है, सेल क्या करता है, सेल रिक्वायर करता है एनर्जी को, रिक्वायर फॉर द मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस एंड फॉर द डिवीजन। वो इंपॉर्टेंट क्या है सेल के बारे में,
कॉम्पोजिशन जो होता है वो सेल का क्या होता है, सेल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा सेल कॉम्पोजिशन में क्या आता है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं, अभी मैं बायोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस कर चुका था शुरू में, चौंस, ठीक है, COSCHONSP, यही आपका यूज होता है, सबसे ज्यादा कंटेंट में CHONSP यही यूज होता है, जो कि कंटेंट कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। और सेल में कम से कम 70% वाटर होता है, और ये कंटेंट जो मिलाते हैं ये मिला के आपके 99% जो कंटेंट होते हैं ये बनाते हैं, 70% वाटर होता है, और ये पांच कंपोनेंट, छह कंपोनेंट मिलके 99% आपके सेल के कंपोजिशन को मेंटेन करते हैं। बाकी सेल कंपोजिशन, सेल जो होते हैं सेल अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, सेल जो हो सकते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल भी हो सकते हैं आपके, और वायरस भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इनको डिवाइड किया जाता है फर्दर किसके बेसिस पे, 16SR क्लासिफिकेशन पे, 16SR क्लासिफिकेशन पे ये चीज, इसको क्लासिफाई किया जाता है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिवाइड किया जाता है यहाँ पे प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होता है तो यूकैरियोट होता है, और जब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 16S राइबोसोम। 16S राइबोसोम क्या है, एक यूनिट है, ये क्या है, एक छोटी सी यूनिट है, कौन सी यूनिट है, दैट इज द 50S का पार्ट है, 50S और 30S ये आपके पार्ट होते हैं किसके, 70S के, और 50S जो होता है ये 23S और 5S होता है, और 30S का पार्ट होता है 16S। क्यों यूज करते हैं इसको राइबोसोमल आरएनए में, बिकॉज इट इज इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड होता है, क्या होता है ये, इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड होता है, इट इज इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड, दैट्स व्हाई इसको हम यूज करते हैं, इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड होता है, मिनिमम चेंजेस होते हैं इनमें, ये कंजर्व फॉर्म रहते हैं। यूकैरियोट का फर्दर क्लासिफिकेशन हम ये कर सकते हैं कि कौन से ऑटोट्रॉप है कौन से नहीं है, ऑटोट्रॉप और नॉन ऑटोट्रॉप की बात करते हैं या हेटरोट्रॉप की बात करेंगे। जब ऑटोट्रॉप में बात करेंगे प्लांट आ जाता है और कुछ एल्गी आते हैं, और नॉन ऑटोट्रॉप में जो आ जाते हैं वो एनिमल्स आ जाते हैं, इनके आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं। और वायरसेस जनरली क्या होता है, वायरसेस सिर्फ और सिर्फ ये एक सेलुलर, और जनरली वायरसेस कैसे होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, क्या इनमें सेल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और कोट होता है, वायरसेस जो होते हैं दे आर नॉट द सेल, हम इनको ए सेलुलर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सेल का पार्ट नहीं होते, इट जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसके बारे में अगर बात करें वायरसेस के बारे में बात करें तो सिर्फ प्रोटीन कोट होता है और उनके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है, यही होता है वायरसेस, तो इसको हम सेल नहीं बोलते, इट्स ए सेलुलर, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ए सेलुलर होता है, इज इट क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और वायरसेस में इन्वॉल्व होता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ट्रू न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे, दैट इज व्हाट द फीचर, ठीक है, फीचर की बात करेंगे और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है। फीचर की बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज व्हाट ट्रू न्यूक्लियस, पहला फीचर है ट्रू न्यूक्लियस, क्या ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में पाया जाता है, एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। सेकेंड फीचर की बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। थर्ड फीचर इज द राइबोसोम, प्रोकैरियोट में 70S पाया जाता है जबकि यूकैरियोट में 70S और 80S दोनों पाया जाता है। 70S कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में, कहां पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में। इसके बाद मैं बात करता हूं यहां पे जो पर्टिकुलर, अगर रिस्पिरेशन की बात करें, रिस्पिरेशन में बेसिकली कौन सा रिस्पिरेशन, ETC प्रोकैरियोट में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको बोलते हैं मीजोसोम में होता है, जबकि यूकैरियोट में कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ATP जनरेशन, ATP
अमाउंट की बात करेंगे, एटीपी अमाउंट जनरेटेड लेस होता है प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, नाउ जब सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, सेल वॉल जिससे बना होता है प्रोकैरियोट में, किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस एलपीएस, लिपोपॉलीसेकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ये दो चीजों से मिलके बना होता है। लेकिन यूकैरियोट में प्लांट में ये बना होता है किसका, सेलुलोज का, और यहाँ पे होता है लिपिड बाई लेयर का बना होता है। ठीक है, नाउ उसके बाद कुछ ऐसे एट डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल, अगर मैं बात करूं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल के बाद कुछ और डिफरेंसेस, जो मेजर डिफरेंसेस है, क्या किसी और को पता है कि और मेजर डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ये सारे कुछ मेजर डिफरेंसेस है। इसके बाद बात करते हैं दैट इज व्हाट कि डिवीजन जो होता है, जनरली इसकी टाइमिंग जो होती है 20 मिनट होता है और इसमें यूकैरियोट में 24 आवर होता है, मेनली फॉर एनिमल सेल के लिए 24 आवर होता है। ठीक है, उसके बाद सेल डिवीजन के बाद आते हैं दैट इज व्हाट द वैक्यूल, यस ठीक है, वैक्यूल की बात करूंगा। ठीक है, वैक्यूल जो होता है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में ये लार्जली प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में ये लार्जली प्रेजेंट होता है वेस्ट डिस्पोजल के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस है, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, वो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, सुनने की कोशिश करिएगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहां पे पाया जाता है, वो प्रोकैरियोट में पाया जाता है लेकिन यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। इसके अलावा यस हिस्टोन प्रोटीन, यू कैन से दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन जो होता है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो यहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। नाउ अगर मैं, ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। सो नाउ अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो अगर कुछ इस तरीके का सेल अगर मैं बना रहा हूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, नाउ अब देखिएगा कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा क्या पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा क्या पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव में जाता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होता है वो मोर होता है। ठीक है, मोर होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में एक थिक लेयर किसकी होती है, ग्राम नेगेटिव में बात करें तो ग्राम नेगेटिव में एक थिक लेयर होती है एलपीएस, एलपीएस मोर होता है, यहाँ पे एलपीएस जो होता है ग्राम नेगेटिव में ज्यादा होता है। ग्राम पॉजिटिव में जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है और ग्राम नेगेटिव में एलपीएस मोर होता है। एनिमल सेल कुछ इस तरीके के बनते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एनिमल सेल अगर इस तरीके से कुछ बन रहे हैं, इनमें क्या पाया जाता है एनिमल सेल के केस में, या प्लांट सेल हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनते हैं। अगर प्लांट सेल है, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल कुछ इस तरीके से बनता है, और इसमें ज्यादातर सेल में क्या पाया जाता है प्लांट सेल में, हाँ जी, प्लांट सेल के सेल में ज्यादातर क्या पाया जाएगा, सेलुलोज, क्या और क्या पाया जाएगा, हेमी सेलुलोज, ये सारी चीजें पाई जाएंगी इसके मेम्ब्रेन, हेमी सेलुलोज पाया जाएगा, सम पेक्टिन्स भी पाए जाते हैं, ये कुछ मेम्ब्रेनल पार्ट की बात करूं तो, ठीक है, ग्राम, और ये सारी चीजें इस तरीके से जो पर्टिकुलर डाई यूज करते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए, वो एग्जैक्टली किससे बाइंड करता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बाइंड करता है, एलपीएस से बाइंड नहीं करता, जिसके बेसिस पे हम उसकी स्टेनिंग करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंसेस हैं, होप कि आपको क्लियर होंगे।
हे गाइस, होप कि आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देख के। अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको एक सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंटेंट जो है फ्री प्रोवाइड कर सकूँ और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज को। सो आप लोग भी थोड़ा सा इस पर हेल्प करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि सबको ये चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो सके और वो स्मार्टली अपने एग्जाम के प्रिपेयर कर सके। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।